हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टफ़ मैंगो कुल्फ़ी, और बहुत ही यम्मी बनती है। और इस कुल्फ़ी को बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलो बनाते हैं फिर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो बड़े आम लिए हैं, बहुत ही अच्छे वाले जो पके होते हैं वही आपको लेना है। और इसकी जो ऊपर की टोपी होती है ना, वो हम निकाल देंगे। और इस टोपी भी हमें संभाल के रखना है, क्योंकि ये बाद में काम आएगी। इसके बाद आम में से हमें गुठली निकालनी है, तो चाकू की मदद से इसको थोड़ा अंदर से कट लगाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा बड़ा चाकू इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पतला चाकू का इस्तेमाल करना है, तो आराम से इसका कट लग जाएगा अंदर से। तो मैंने यहाँ पे ना चाकू चेंज कर दिया, उस चाकू से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से अच्छे से इसका थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया है। आपको चाकू लगना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चारों तरफ अच्छे से कट लगाने के बाद इसकी में हम गुठली निकाल लेंगे, तो ये आराम से निकल जाएगी। और इसके बाद इस तरह का जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं पकड़, इसी तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, तो ये आराम से निकल जाएंगी गुठली अंदर से। तो आप देख सकते हैं, तो ये गुठली आराम से निकल गई है। और दूसरी आम को भी मैं इसी तरह से गुठली निकाल लूँगी। तो ऊपर से थोड़ी इसकी टोपी कट कर लेते हैं, और इसको हम साइड में रख देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये गुठली हमारी आराम से निकल जाएगी, तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद गुठली में जो आम है उसको भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच जितना आम इसमें से निकला है, तो इसको भी हम आम के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद इस आम को हम एक ग्लास में रख देंगे। अगर आप छोटे वाले आम हैं तो आप इसे कटोरे में भी रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 लीटर जितना दूध लूँगी। तो इस दूध को हमें बिल्कुल ही आधा कर देना है, और जैसा हम पेड़े के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा पतला बनाना है। और ये हमारा दूध आप देख सकते हैं बिल्कुल ही आधा हो गया है। और साइड में से मैं इसकी मलाई निकाल दूँगी, और इसको हम इसी तरह से चलाते रहना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं दूध लूँगी 3 से 4 टेबलस्पून जितना, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, बिल्कुल भी लम्स गुठली ना रहे इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद इसको हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद दूध में हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून जितनी चीनी डाली है, और बारीक कटा हुआ यहाँ पर मैंने काजू डाला है, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दूध की मलाई डाली है। और इन सबको हमें 5 से 7 मिनट के लिए गैस के मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहना है, और दूध और मलाई अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूध में उगल आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल देंगे जो हमने पहले बनाई थी, और इसी तरह से चलाते रहना है, वरना इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है इसका लम्स बन जाएगा। तो ये हमारा दूध बन के रेडी है, इसी तरह का हमें चाहिए। और इसको हमें 1/2 घंटे के लिए ठंडा करना है, इसके बाद ही हम इसको आम में डालेंगे। और चम्मच की मदद से हम आम के अंदर इसको डाल देंगे। जब दूध बिल्कुल ही ठंडा हो जाए तब भी इसमें डालना है, गर्म दूध आपको इसमें नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने दोनों आम में यह दूध डाल दिया है, और इस आम को हमें 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। और ये हमारा जो दूध बचा है, इनमें से आप और भी मैंगो स्टफ़ कुल्फ़ी बना सकते हैं। और इसके बाद ये जो हमने टोपी बचा के रखी थी वो भी इसके ऊपर लगा देंगे, और इसे हमें 6 से 8 घंटे फ्रिज में रखना है।
और 6 से 8 घंटे के बाद ये हमारे मैंगो स्टफ़ कुल्फ़ी बन के रेडी है। तो ये ग्लास में से नहीं निकल रही थी, तो इसको मैंने आधा ग्लास पानी में डुबो के रखा था, तो इसके बाद ये आम आराम से ग्लास के अंदर से निकल गई। और इसकी जो ऊपर की टोपी हमने लगाई थी वो हम दोनों आम से निकाल देंगे। तो ये बहुत ही ठंडी थी, तो इसका हम छिलका निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों आम में से छिलका निकाल दिया है, तो इसके बाद इसके हम स्लाइस बना लेंगे। तो ये हमारी स्टफ़ मैंगो कुल्फ़ी बन के रेडी है। तो इसी तरह से आपको इसको स्लाइस में काट लेना है। अब जब इसे काटोगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी थी इसलिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो घर पर ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को लाइक करना और फैमिली और फ्रेंड के साथ ये रेसिपी को शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड वाले बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।